दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है ब्लूस्टर कंपनी के तरफ से एक पोर्टेबल एसी जिसका मॉडल नंबर है PC12TP। आज हम इस एसी का अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे किस किस कंडीशन में ये पोर्टेबल एसी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और कब इस पोर्टेबल एसी को आपको नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये पोर्टेबल एसी है, आप इजीली घर के किसी भी कोने पे इसको लेके जा सकते हो। 30 kg बस इसका वेट है, साइड में देख सकते हो होल्ड के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। इसको पकड़ के आप इस एसी को उठा सकते हो, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। इंस्टॉलेशन का भी इसका कोई झमेला नहीं है। स्प्लिट एसी विंडो एसी में इंस्टॉलेशन का जो झमेला आता है, एक पोर्शन घर के अंदर लगता है, एक पोर्शन बाहर लगता है, तो उसका भी कोई झमेला नहीं है। आप खुद से इसको अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी है बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है जो आपको इस वीडियो से पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजदीप मिश्रा, आप देख रहे हो योर टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को अगर आप इनेबल कर देते हो तो जब भी इस चैनल पे कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए सबसे पहले इसका जो पैकेट आया था मेरे पास उसको दिखा देता हूं एक बार। दोस्तों यहां पे आप पैकेज देख सकते हो, कुछ इस तरीके से पैकेज में ये पोर्टेबल एसी मुझे डिलीवर किया गया था। मैंने ऑनलाइन इसको परचेज किया था, ऑनलाइन बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहीं से आप इस एसी को ऑनलाइन चेक कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस पोर्टेबल एसी का जो पैकेज था उसके अंदर से मुझे और क्या क्या मिला। एक तो ये पोर्टेबल एसी मिलता है आपको, साथ ही इस टाइप के आपको 4 प्लास्टिक के कंपोनेंट्स मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पे देखिए एक एग्जॉस्ट होस पाइप दिया गया है जिसको अगर आप इस तरीके से खींचोगे तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और फिर से आप इसको बंद कर सकते हो। इस होस पाइप के साथ ये जो 4 प्लास्टिक के कंपोनेंट्स है ये फिक्स होंगे। कैसे फिक्स होंगे वो इस वीडियो में आपको सीखने को मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन में आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही इस एसी के साथ आपको एक रिमोट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये पोर्टेबल एसी को आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही आपको मिलता है कुछ स्क्रू और डबल साइडेड टेप, क्योंकि ये जो एसी है, ये जो होस पाइप दिया गया है, इसका एक सिरा आपको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, इसका जब वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आइसोलेशन के लिए कुछ फोम वगैरह दिया गया है ताकि अंदर का हवा बाहर ना जा सके, बाहर का अंदर ना आ पाए। और साथ ही यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, इसका जो वारंटी कार्ड है या इसका क्या सेफ्टी है, कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको मिलता है एक ड्रेनेज पाइप। जी हाँ दोस्तों, एसी से वाटर निकलता है तो उसको ड्रेन करने के लिए ये पाइप है, कहाँ पे लगता है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, पोर्टेबल एसी जो है इसके कई सारे एडवांटेज है, कई सारे डिसएडवांटेज भी है। क्या प्रोज है क्या कौन से वीडियो के शुरू में ही आपको बता देता हूँ ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ आपको ये लेना है या नहीं। दोस्तों मैं एक रेंटेड रूम पे रहता हूँ अपने काम के लिए और बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। YouTube में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अगर मैं पंखा को ऑफ करता हूँ तो हालत ख़राब हो जाता था, तो इसलिए मैंने एक एसी को लिया। यहाँ पे जहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ वहाँ पे जो रूम ओनर है उनका परमिशन नहीं है कि मैं यहाँ पे स्प्लिट एसी या विंडो एसी को फिक्स करूँ। तो अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है, अगर आप किसी रेंटेड अपार्टमेंट पर रहते हो जहाँ पर आप स्प्लिट एसी या विंडो एसी को नहीं लगा सकते, तो उस दौरान आप पोर्टेबल एसी को ले सकते हो, आपके लिए अच्छा है। कहीं पे भी अगर आप शिफ्ट करते हो इजीली इसको लेके जा सकते हो। साथ ही जो स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, उसका इंस्टॉलेशन आप खुद से नहीं कर सकते हो, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। साथ ही दीवार में तोड़फोड़ करना पड़ सकता है, ड्रिल करना पड़ सकता है, एक पोर्शन घर के अंदर लगेगा, एक घर के बाहर लगेगा, तो उसमें कुछ झमेला आता है। और कई सारे ऐसे घर है जिसका जो दीवार है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है, उसमें आप ये सब नहीं कर सकते। तो अगर आपका घर का कंडीशन, आपका रूम का कंडीशन भी कुछ ऐसा है तो आप पोर्टेबल एसी के साथ जा सकते हो। स्प्लिट एसी विंडो एसी में जो एडवांटेज आपको मिलता है वो बहुत जल्द आपके रूम को ठंडा कर देता है, बट ये जो पोर्टेबल एसी है ये उतना जल्दी रूम को ठंडा नहीं कर पाता। दोस्तों मैं अभी जिस रूम पे बैठा हुआ हूँ ये 12 feet by 11 feet का रूम है, 132 स्क्वायर फीट का रूम है और इसके लिए मैंने इस पोर्टेबल एसी को लिया है। 1 ton का ये एसी है। कंपनी का दावा है अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट या उससे छोटा है तब आप इस एसी को परचेज कीजिए, अगर आपका बड़ा रूम है तब 1.5 ton के एसी के साथ जाइए, बट प्राइस के हिसाब से मैंने 1 ton लिया।
और मेरे रूम को पूरी तरीके से ठंडा करने के लिए ये जो पोर्टेबल एसी है ये 1 घंटा पूरा टाइम ले लेता है। आधे घंटे के बाद रूम हल्का ठंडा होता है और 1 घंटे में ये पूरा ठंडा कर देता है। वहीं पे अगर यहाँ पे स्प्लिट एसी या विंडो एसी होता तो थोड़ा जल्दी कर देता। इस एसी को मैंने अपने किचन पे ले जाके भी देखा, किचन थोड़ा सा छोटा है, 70 स्क्वायर फीट का किचन है, तो वहाँ पे ये लगभग 20 मिनट के अंदर ही पूरा ठंडा कर देता है और अच्छा खासा ठंडा करता है। तो चलिए अभी इस एसी का इंस्टॉलेशन कैसे आप खुद कर सकते हो जान लेते हैं, उसके बाद मैं इसका यूज़ भी आपको दिखाऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कितने घंटे अगर आप इस एयर कंडीशनर को यूज़ करते हो तो आपका कितना यूनिट कंज्यूम होगा, कितना आपका इलेक्ट्रिक बिल आ सकता है, ये आप यहीं से पता लगा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप भी ब्लू स्टार कंपनी के इस पोर्टेबल एसी को परचेज करना चाहते हो ऑनलाइन से तो बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे और कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा, जहां पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों ये है इस पोर्टेबल एसी का फ्रंट पैनल, फ्रंट साइड कुछ इस तरीके से है, ऊपर बटन है, कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। यह है इसका साइड पैनल, यहाँ पे होल्ड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है जिससे कि आप इस एसी को उठा सको कहीं पे शिफ्ट करने के लिए, यहाँ से पकड़ के आप एसी को उठा सकते हो, इस साइड में भी पकड़ने के लिए दिया गया है। तो एसी का बैक साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए घर का जो गर्म हवा है वो इनटेक करने के लिए यहाँ पे 2 पोर्शन दिया गया है। यहाँ पे एयर इंटेक करने के लिए ये अपर वाला पोर्शन है और यहाँ पे नीचे बॉटम का पोर्शन है, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये एग्जॉस्ट के लिए यूज़ किया गया है, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपका ड्रेनेज पाइप फिक्स होगा। यहाँ पे एयर जब इंटेक होता है घर का उसके बाद एयर को प्यूरीफाई भी किया जाता है, जितने भी फंगस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह है वो यहाँ पे प्यूरीफाई हो जाता है। एक बार मैं आपको ओपन करके ये वाला पोर्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिल्वर का पैडिंग यूज़ किया गया है जो आपके घर का जो हवा है उसको इनटेक करता है, यहाँ पे प्यूरीफाई करता है, और फिर अंदर एसी का कंप्रेसर है, कंप्रेसर उस हवा को कंप्रेस करता है, ठंडा हवा आपके घर में आता है और जो गर्म हवा होता है वो यहाँ से एग्जॉस्ट होस पाइप के थ्रू घर के बाहर निकल जाता है। दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ठीक तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर में एक उभरा हुआ पोर्शन है, इस पार्ट को आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ पे फिक्स करना है। ये जो उभरा हुआ पार्ट आप देख रहे हो ये पोर्शन यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे मैं फिक्स करता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे दबाना है तो ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स होने के बाद आपका जो होस पाइप है उस होस पाइप को आपको यहाँ पे फिक्स करना है। यहाँ पे क्लिप दिया हुआ है, इन क्लिप्स को आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे निकालना है और इस होस पाइप को यहाँ पे दबाना है तो ये अंदर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे अटक जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो होस पाइप को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, और अभी आप इसको खींच के जितना मर्जी आप लंबा करो होस पाइप का जो ये दूसरा सिरा है इसको आपको आपके रूम से बाहर निकालना है, चाहे वो खिड़की से निकालो कहीं से भी निकालो, ये आपको जुगाड़ लगाना है। और अगर आपका स्लाइडिंग विंडो है, ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड होता है या साइड में स्लाइड होता है, तो यहाँ पे कंपनी वालों ने ये 2 पोर्शन भी प्रोवाइड किया है, ये स्लाइडिंग विंडो में लगता है आप देख सकते हो, और ये जो होल देख रहे हो, ये जो होल आप देख रहे हो यहाँ से इस एग्जॉस्ट पाइप का जो बाकी का हिस्सा है जो सिरा बाहर निकलेगा ये वाला यहाँ पे आके फिक्स होगा। और इसको फिक्स करने के लिए भी यहाँ पे 2 पोर्शन दिया गया है, अगर आपका स्लाइडिंग विंडो है तभी ये आपका काम करेगा, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। अभी आपको इस एग्जॉस्ट पाइप को बाहर निकालना है, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ और फिर एसी को ऑन करूँगा और फिर आपको इसका पूरा यूज़ दिखाऊंगा। दोस्तों एसी को ऑन करने से पहले यहाँ पे आपको इस ड्रेनेज पाइप को फिक्स करना है, ड्रेनेज पाइप भी आपको पैकेट के अंदर ही मिल जाता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये ड्रेनेज पाइप जो है ये फिक्स हो जाएगा। और इस पाइप को आपको बाहर कहीं पे रख देना है क्योंकि यहाँ से पानी निकलता रहेगा। 4-5 घंटे अगर आप इसको यूज़ करते हो तो करीब 3-4 लीटर पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। तो यहाँ पे तो एक छोटा सा पाइप दिया गया है, अगर आप यहाँ पे बाल्टी वगैरह कुछ रखना चाहते हो रख सकते हो, या फिर मार्केट से इस टाइप के जो लंबे पाइप आता है
उस टाइप के पाइप भी ले सकते हो, और इस पाइप का दूसरा सिरा घर से बाहर बाथरूम में कहीं पे भी आप जाके छोड़ सकते हो। यहाँ से 4-5 घंटे में 3-4 लीटर तक पानी निकलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप एसी के प्लग को देख लीजिए, नॉर्मल जो स्विच बोर्ड में सॉकेट आता है 5-6 एम्पियर का, उसमें ये फिक्स नहीं आएगा। ये जो आपका एसी है ये 1350 से लेके 1400 वाट तक पावर कंज्यूम करता है, हेवी लोड लेता है, इसलिए आपको इसको हेवी लोड के लिए जो सॉकेट आप यूज करते हो फ्रिज वगैरह चलाने के लिए उस पर आप इसको लगा सकते हो। 15 एम्पियर से ऊपर वाला जो सॉकेट आता है उसमें आप इसको फिक्स कर सकते हो। नॉर्मल अगर आप एक्सटेंशन केबल का यूज करके जो आपका 5-6 एम्पियर का प्लग है उसके साथ अगर आप इसको कनेक्ट करते हो तो आपके इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ सकता है, आपका वायर वगैरह गल सकता है अगर आप पूरी रात भर इसको ऑन करके रख देते हो, 4-5 घंटे ऑन करके रख देते हो तो। दोस्तों एसी के प्लग को मैंने मेन स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है, अभी इसको हम ऑन करते हैं। पहले मैं मैन्युअली कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो ये बताऊंगा, और उसके बाद कैसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो वो बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका एसी ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ये ऑन होगा यहाँ पे देख सकते हो ये जो पोर्शन है ये ओपन होता है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद ये कुछ देर तक हल्का ठंडा हवा देगा, बाहर से एयर को सक करेगा, उसको कंप्रेस करेगा, और फिर एसी का जो साउंड है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, और फिर यहाँ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा हवा यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। एसी का टेम्परेचर अभी आप देख सकते हो 24 डिग्री सेल्सियस पे है। यहाँ पे मूड पे देखिए, ये ऑटो मूड पे है। मूड बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये चेंज होता रहेगा, अभी ये कूल मूड पे है। यहाँ से मैं इसका टेम्परेचर जो है उसको कम कर सकता हूँ, एकदम 17 डिग्री सेल्सियस तक मैं इसको लेके जा सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 डिग्री सेल्सियस तक मैं इसको लेके जा सकता हूँ। यानी मेरा जो टेम्परेचर रेंज है इस पोर्टेबल एसी में जो मुझे मिलता है वो 17 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे मिलता है। अगर मैं इसको फैन मूड में चलाना चाहूँ तो मूड बटन को फिर से एक बार प्रेस करूँगा, ये चला गया ड्राई मूड पे, जिससे कि आपका घर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। विंटर के टाइम पे आप इस मूड में एसी को चला सकते हो अपने घर का रूम का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर अपने घर में जो ह्यूमिडिटी है उसको कम करने के लिए भी आप इस मूड में इस एसी को चला सकते हो। और फिर से एक बार मूड बटन पे क्लिक करूँगा तो ये फैन मूड पे चला जाएगा, जिससे कि ये हल्का आपके घर को ठंडा करेगा। तो मैं तो ये कूल मूड ही प्रेफर करता हूँ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ठंडा करने के लिए। यहाँ पे टाइमर भी आपको मिल जाता है, यहाँ पे स्विंग का बटन है, स्विंग लेवल को आप यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ से आप अपने फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे 3 मोड फ़ैन आपको मिलता है। देखिए एक बार प्रेस करता हूँ, सबसे पहले तो ये लो मूड में रहता है, जैसे ही दोबारा इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे फ़ैन ऑफ हो गया, यहाँ पे एकदम हाई स्पीड में फ़ैन चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियम स्पीड में फ़ैन चल रहा है, और अभी देखिए लो स्पीड में फ़ैन चल रहा है। फिर से एक बार मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो फ़ैन है वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे स्लीप का बटन भी मिलता है, और ऑफ़ करने के लिए आप इस ऑन ऑफ के बटन को फिर से प्रेस कर सकते हो। रिमोट में भी ये सभी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो मूड का बटन है इसको अगर आप प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो अभी कूल मूड पे है, अभी ड्राई मूड पे है, अभी ये हीट मूड पे है। यहाँ से आप इसके फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप टेम्परेचर को बढ़ा या फिर घटा सकते हो। देख सकते हो ये टेम्परेचर कम हो रहा है और ये यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ से आप फ़ैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप स्विंग के बटन पे क्लिक करके स्विंग को एडजस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और यहाँ पे एलईडी, ये जो एलईडी है इसको अगर आपको ऑफ़ या ऑन करना है, रिमोट का जो एलईडी है इसको अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ पे नीचे ये वाला बटन है, आप देख सकते हो जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे एलईडी बंद होता है। यहाँ पे अभी एलईडी देख सकते हो ग्लो हो रहा है, और अगर मुझे इसको बंद करना है तो फिर से यहाँ पे एक बार प्रेस करूँगा और आप देख सकते हो ये बंद हो गया। अभी देखिए मैं इस एसी को ऑफ करता हूँ इस बटन से, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये एसी बंद हो जाएगा, और कुछ ही देर में ये जो पोर्शन आप देख रहे हो खुला हुआ है ये नीचे चला जाएगा।
आप देख सकते हो एसी बंद हो गया है और ये जो पोर्शन है ये ऑटोमेटिक क्लोज हो रहा है। अगर आप एसी को स्विंग मोड पे डालते हो तो ये अलग अलग डायरेक्शन में हवा को भेजेगा और आपके रूम को जल्द ठंडा कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्विंग मोड जो है वो एक्टिवेटेड है। दोस्तों अभी जान लीजिए अगर आप इस एसी को 1 घंटे चलाते हो तो उसके लिए कितना यूनिट ये कंज्यूम करता है। दोस्तों इस एसी को मैंने पूरा रात चलाया, 4.5 घंटे में ये 7 यूनिट कंज्यूम किया, यानी 1 घंटे में 2 यूनिट से थोड़ा कम ये कंज्यूम करता है। वहीं पे अगर स्प्लिट एसी या विंडो एसी होता तो 1 घंटे में वो 2 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है या 2 यूनिट के आसपास कंज्यूम करता। तो स्प्लिट एसी विंडो एसी से ये आपका बिजली का बिल थोड़ा सा सेव करता है। मेरे लिए तो ये हेल्पफुल रहा। अगर आप भी परचेज करना चाहते हो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही इसका जो 1.5 टन का एसी है और भी जितने ब्रांड एसी का है जो अच्छे हैं मार्केट में अभी अवेलेबल है, लोग ज़्यादा परचेज करते हैं, उन सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी को चेक कर सकते हो, जो भी आपके लिए अच्छा लगे आप उसके साथ जा सकते हो। बट हाँ, यही रिकमेंड करूँगा अगर आपके घर में स्प्लिट एसी विंडो एसी लगाया जा सकता है तो आप स्प्लिट एसी विंडो एसी के साथ ही जाइए। ये तो मेरा रूम जो है 132 स्क्वायर फीट का, उसको ठंडा करने के लिए 1 घंटा ले लेता है। वहीं पे स्प्लिट एसी विंडो एसी लेंगे तो और भी जल्द ठंडा हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ऐसा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।